नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कोरल ड्रॉ के अंदर किस तरीके से ताजमहल क्रिएट कर सकते हैं, यानी ताजमहल का एक स्ट्रक्चर आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल क्यू और F10 प्रेस करना है। कंट्रोल क्यू और F10 प्रेस करने के बाद आपको ये जो लेफ्ट में कॉर्नर नजर आएगा, इस कॉर्नर को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ब्रेक कर्व का। इस ब्रेक कर्व पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो कर्व होगा वो ब्रेक हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप देखेंगे दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लू कलर का। तो आपको व्हाइट वाले पॉइंट पर आकर के डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने से होगा क्या, नीचे का जो आपका एंगल होगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा, नीचे की जो आपकी लाइन होगी वो यहाँ से हट जाएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट को दबा के रखना है और कॉर्नर से आकर के इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके राइट क्लिक कर देना है ताकि इसका एक डुप्लीकेट एंगल आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाए। और यहाँ से आपको इसको स्ट्रेटली थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेना है बिल्कुल इक्वली, और दोनों को सिलेक्ट करके आपको दबा देना है बी। बी से बॉटम में ये बिल्कुल इक्वली एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है सिंपली कि आपको नजर आएगा शेडो टूल पर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे सब टूल्स नजर आएंगे। इन सब टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड नजर आएगा, आपको ब्लेंड पर आपको क्लिक कर देना है। ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे खींचना है आपको इस तरीके से, तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी लाइन्स नजर आ जाएगी, एक 3D टाइप का इफेक्ट आपको नजर आएगा। अब ये लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें लाइन्स को कम करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी लाइन्स का जो रेट है वो यहाँ पर 20 है, तो हम फिलहाल इसको 10 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा आपके सामने। और उसके बाद आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है। सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद आपको सीधे पेन टूल सेलेक्ट करना है। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइन तिरछे में ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ पर डबल क्लिक करके इस लाइन को यहाँ से छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल क्यू और F10। कंट्रोल क्यू और F10 दबाने के बाद ये जो लाइन नज़र आ रही है इस लाइन पर आपको सिंबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लेना है कन्वर्ट लाइन टू कर्व का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ ये जो नीचे एरो आपको न दिखाई दे रहा है, इस एरो को आपको पकड़ करके इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करना है। सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के रखना है और यहाँ से आपको ये एरो नज़र आएगा, ये तीर जैसा एरो नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करके रखना है और राइट की तरफ ले जा करके राइट क्लिक कर देना है आपको, यानी राइट साइड में इसको खींचना है और राइट क्लिक कर देना है ताकि इसका डुप्लीकेट यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो सके। अब आपको सिंपल क्या करना है, वापस से ब्लेंड टूल सेलेक्ट करना है। ब्लेंड टूल सेलेक्ट करने के बाद वही सेम प्रोसेस फिर से करना है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे इस तरीके का कर्व का इफेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम देंगे एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल लेकर के यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एक रेक्टेंगल इस तरीके से हम इस पर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको हम। और देन इसके बाद हम इसको पकड़ करके शिफ्ट के साथ नीचे खींचेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा शिफ्ट को छोड़ दीजिए, बिना विदाउट शिफ्ट भी कर सकते हैं आप इस काम को, राइट क्लिक कर दीजिए, सॉरी इसका डुप्लीकेट आ गया। हमको वापस से क्या करना है, इसको वापस से थोड़ा सा जूम करके इसको क्लिक करके नीचे की तरफ खींच कर लाएंगे और राइट क्लिक कर देंगे, तो होगा क्या, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके हम दबा देंगे सी। सी से होगा क्या, ये सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। सेंटर में एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है और इसको उठा करके यहाँ पर इसको ऊपर एडजस्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप बिल्कुल इसी तरीके से करिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है इस तरीके से, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको यहाँ पर आप सेंटर में एडजस्ट कर दीजिए। दोनों को सेलेक्ट करके आप वापस से सी दबा सकते हैं, सी से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इस तरीके से, इसको सेलेक्ट करिए और थोड़ा सा नीचे ले आइए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर अपने पास अभी फिलहाल रख लेते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा एंगल तैयार हो चुका है और उसके बाद आपको यहाँ से फिर से आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है और वापस से वही एंगल फिर से ड्रॉ करना है इस तरीके से। कंट्रोल क्यू करना है, F10 करना है और यहाँ पर सिंगल क्लिक करना है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व का यूज़ करना है और इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ से आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है और ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था वहाँ पर क्लिक कर देना है ताकि ये लाइन इसमें वापस से जॉइंट हो जाएगी। और उसको नीचे की तरफ ला करके आपको डबल क्लिक कर देना है इस तरीके से। और इसके बाद आपको वापस से कंट्रोल क्यू और F10 करके ये जो लाइन आपको थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से आपको स्टेट का एक नज़र आएगा ऑप्शन कन्वर्ट टू लाइन का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली लाइन जो होगी बिल्कुल स्ट्रेटली कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है, कॉर्नर से पकड़ करके इसको राइट क्लिक करके ऐसे
सीधा कर देना है इस तरीके से। तो अभी देखेंगे, अभी थोड़ी सी हमारी अभी भी लाइन कर्व है, तो हम इसको कंट्रोल जेड करके पीछे कर लेते हैं और इस पर हम वापस से डबल क्लिक करते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखेंगे लाइन हमारी सीधी हो गई है। अब वापस से कंट्रोल को दबा करके इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरीके से। अभी भी लाइन हमारी ज़्यादा सीधी नहीं है, ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई है, तो वापस से हम कंट्रोल जेड करके बैक करते हैं और उसको वापस से सिलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके और उसको बिल्कुल ज़रा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा माइनर इस तरीके से सीधा करते हैं लाइन को। और अब वापस से इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल को दबा के रखेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमें एंगल को क्रिएट करना है और उसके बाद वापस से आपको ब्लेंड टूल यूज़ करना है। ब्लेंड टूल यूज़ करने के बाद आपको वही इफेक्ट इसके ऊपर भी दे देना है और रेट्स यहाँ पर आपको रखना है 10 रखने के बाद अब इसको यहाँ पर सिलेक्शन टूल यूज़ करिए और उसको उठा करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको छोटा कर दीजिए इस तरीके से और इन एंगल्स को सिलेक्ट करके आपको बी दबा देना है, बी से बॉटम में सेट हो जाएगा और सी दबा देना है, सी से यह सेंटर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ये एंगल हमारा क्रिएट हो चुका है और अब क्या करना है आपको, इस ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इस ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है, यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है आपको और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है इस तरीके से। तो इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से और यहाँ पर ले जाकर राइट क्लिक कर देना है इस तरीके से, तो ये आपका इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। और इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, इसका एक और डुप्लीकेट लेना है इसके बगल में बिल्कुल और यहाँ पर आपको राइट क्लिक फिर से कर देना है इस तरीके से। राइट क्लिक करने के बाद इस पर आपको क्या करना है, सेम दोनों को सिलेक्ट करके आपको टी दबा देना है, टी से टॉप पे एडजस्ट हो जाएगा दोनों एक साथ और इसी तरीके से इसकी भी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आप रख करके राइट क्लिक कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो तीसरा वाला एंगल हमने लिया हुआ है इस एंगल पे आपको एक बार क्लिक और करना है, तो इस तरीके का आपको एरो नज़र आएगा और ये जो एरो नज़र आ रहा है इस एरो को पकड़ करके थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देंगे आप। सेम एज इट इज़ वही काम आपको इसके साथ भी करना है, डबल क्लिक करना है उसको भी हल्का सा इस तरीके से तिरछा कर देना है आपको, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो एंगल नज़र आ रहा है जो हमने अभी एक्स्ट्रा में छोड़ा था इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए। इसका डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको सेट करना है और अब आपको क्या करना है, इसको अनग्रुप कर लेना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम करेंगे यहाँ से अनग्रुप, कंट्रोल यू। अनग्रुप करने के बाद ये जो दोनों नीचे हमने पैनल्स बनाए थे, सॉरी ये गलती हो गई मुझसे, ये जो हमने दोनों पैनल्स बनाए थे इन पैनल्स को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है इस तरीके से और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लंबाई में बड़ा कर देना है ऐसे। और उसके बाद सिलेक्शन टूल ले करके यहाँ से नीचे की तरफ ला करके इसको राइट क्लिक कर देना है, थोड़ा एंगल ज़्यादा बड़ा है इसको डिलीट करते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं इस तरीके से। और इन दोनों को सिलेक्ट करके वापस से हम सी दबाएंगे, सी से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच करके राइट क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से क्रिएट होना चाहिए। और उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और खींच करके ला करके जो हमने इस साइड में बॉक्स बनाया था वहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके सी दबा देंगे, सी से ऑटोमेटिकली सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एंगल आपने बना रखा है इस एंगल की एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। इस एंगल की डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करके आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे एडजस्ट करना है, सॉरी सिंगल क्लिक पे भी एडजस्ट हो जाएगा ये आपका, और उसको उठा करके आपको यहाँ रखना है इस तरीके से। और उसके बाद इन दोनों को भी सिलेक्ट करके आपको सिंपली सी दबा देना है, सी से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको यहाँ पे ले जानी है और यहाँ पर भी राइट क्लिक कर देना है बिल्कुल इस तरीके से, ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमने जो एंगल छोड़ा था इसका हम फिर से एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको फिलहाल रखते हैं, इसकी अभी हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी और उसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से और उसको यहाँ पर हम रख करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं इस वाले पॉइंट पर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सी दबा दीजिए, सी से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा और उसी तरीके से यहाँ पर आइए, राइट क्लिक मारिए, दोनों को सिलेक्ट करके सी दबा दीजिए, सी से सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। ये बन गया हमारा ऊपर का पूरा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल जी करके फिलहाल के लिए हम ग्रुप करके इसको छोड़ देते हैं। अब बचा हमारा मीनार, तो मीनार बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली पेन टूल यूज़ करना है। पेन टूल यूज़ करने के बाद एक लाइन आपको खींचनी है, अभी आप शिफ्ट के साथ स्ट्रेटली लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा, आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, इस पर एक बार और क्लिक करना है और उसको बिल्कुल हल्का सा हमें तिरछा करना है, कुछ बिल्कुल माइनर सा तिरछा करना है इस तरीके से। और उसके बाद या पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया हमने और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले ली है, ये बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद क्या करना है, इस पर हमें सिंगल क्लिक करना है एक बार और उसको हल्का सा हमें तिरछा करना है बिल्कुल ऐसे माइनर, और उसकी तरीके से हम इस पर भी डबल क्लिक करके क्या करेंगे, इसको भी हल्का सा हम इस तरीके से तिरछा कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार होना चाहिए और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, बी दबा देंगे, बी से बॉटम में हमारा ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है इस तरीके से और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके इसको बिल्कुल छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद यहाँ पर आप इसको सेट कर दीजिए कुछ इस तरीके से
इस तरीके से सेट कर दीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए इस तरीके से, और उसको उठा करके यहाँ पर इसके ऊपर एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आपको वापस से ब्लेंड टूल का यूज़ करना है, इसको पकड़ना है और इस तरीके से खींच करके ड्रॉ कर देना है, जैसे मैंने आपको बताया था और भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो इस तरीके से आपकी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। लाइंस को ड्रॉ करने के बाद रेट्स को वापस से क्या करना है आपको, 8 कर दीजिए या 10 कर दीजिए, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वापस से रेक्टेंगल यूज़ करना है। रेक्टेंगल यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, बिल्कुल पतला सा सिलेक्शन टूल यूज़ करना है। और उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी इस तरीके से आपको कर लेनी है, एक डुप्लीकेट और कर लेनी है, यानी तीन पॉइंट्स आपको बनाने हैं, तीनों को सिलेक्ट करके आपको सी दबा देना है। सी से ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेंटर में सेट हो जाएंगे। इसको भी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी करनी है, नीचे की तरफ लेकर आना है, नीचे की तरफ ला करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट्स की। तो इस तरीके से आपको सेट करना है। अब इसके बाद इसको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को वापस से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी कर देना है। कंट्रोल जी करने के बाद ये हमारा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रुप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ला करके इस तरीके से सेटअप करना है। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे हम लोग, बिल्कुल इस तरीके से। छोटा करने के बाद इसके जस्ट बगल में ही एक डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, ड्रॉ करके ले जा करके राइट क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करके ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के बाद इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर ला करके हम इसको यहाँ पर बिल्कुल राइट क्लिक कर देंगे और शिफ्ट के साथ इसको बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स में घुमा देंगे, बिल्कुल ऐसे अपोजिट घुमाने के बाद इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके दोनों को बी दबाएंगे, बी से बॉटम पे सेट हो जाएगा। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम बी दबा देंगे, बी से बॉटम पे ये एडजस्ट हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से वापस से पेन टूल सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है स्टार्टिंग पे और यहाँ पे इसके एंडिंग पॉइंट पे डबल क्लिक कर देना है इस तरीके से। डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और नीचे की तरफ ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+R। Ctrl+R प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये रिपीट हो जाएगी, ये जो लाइन है हमारी वो बार बार रिपीट हो जाएगी। रिपीट करने के बाद आपको क्या करना है, पूरे ऑब्जेक्ट्स को एक बार इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कर देना है Ctrl+G फॉर ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आप देखेंगे हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और अगर आपको इसे किसी कलर में कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए हम इसे ब्लू कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ब्लू कलर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेट आउटलाइन कलर का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी आउटलाइंस होंगी वो ब्लू कलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आप इसे F4 और F9 करके फुल स्क्रीन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था ताजमहल बनाने का तरीका कोरल ड्रॉ के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।